देखो भाई हमारे राइडर भाई तीन तीन टी शर्ट पहन रखे दो इधर इसका तो भाई घुटने का नाम ही ले रहा है तो कह रहा है मैं इसे वापस जा रहा हूँ। तो भैया ये हमारा सेकेंड डे सुबह 6:30 हो रखे हैं। ये देखो भाई साहब सो द लोकेशन इज नारकंडा। नारकंडा में हमने स्टे किया था। 3 डिग्री टेम्परेचर है अभी फिलहाल, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ठंड हो रखी है यहाँ पे। ये तो भाई साहब सीजन नहीं है तो ये जुगाड़ तो सही है ना है मुझे। दिस इज़ आर डे टू और हम नारकंडा से निकल रहे हैं मॉर्निंग में। सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी चिटकुल विलेज। सो नाम थोड़ा अजीब है लेकिन लोकेशन बहुत ही प्यारी। सो हमारे सारे राइडर्स जो हैं वो एकदम तैयार हैं आज की राइड करने के लिए। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि कोई शॉप वगैरह नहीं खुली है, बट हम देखें कहीं पर अच्छी लोकेशन पर जहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट वगैरह अवेलेबल हो जाए। बाइकों को ठंड लग चुकी है यार। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ये है नारकंडा का मार्केट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट सारी आपको एसेंशियल चीज़ें मिल जाएंगी। भीड़ कितनी प्यारी लग रही है। ओहो भीड़ है या छोटी याक है? आई एम बिट कन्फ्यूज। ओहो एकदम संकरा मोड। भैया कैसा रहा अभी तक का ट्रिप? बहुत ही औसम रहा और रास्ते तो ऐसे थे कि राइड करते करते मज़ा आ गया। और इनकी हालत देख के लग नहीं रहा कि ना क्या जुकाम हो गया, इसलिए मेरे को जुकाम हो गया। अच्छा तुम और आप बताइए भैया। बढ़िया एक्सपीरियंस। सो गाइस देखिए सामने का व्यू कितना प्यारा नजर आ रहा है। चोटियों पे बर्फ गिरी हुई है और जो बाकी चोटियां है उसमें भी नेक्स्ट कुछ डेज में बर्फ़ गिर जाएगी, तो पूरा आपको सफ़ेद ही सफ़ेद पूरा ज़्यादा यहाँ नज़र आएगी। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। क्या नज़ारा यार, मेरे लेफ्ट साइड पर नदी और पहाड़, वाह यार। सो गाइस हम रामपुर पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। वैसे तो बहुत लंबा सफ़र है तय करने के लिए आज, तो लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँचते हैं। लास्ट नाइट हमने जो ट्रैवल किया था तो हम सोच रहे कि आज जो है नाइट में ट्रैवल ना करना पड़े क्योंकि शाम होते यहाँ पर ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यार क्या व्यू आ रहा है यार, बीच में नदी इधर पहाड़, जैसे हम बचपन में ड्राइंग बनाया करते थे सेम मैं लाइव देख रहा हूँ। आप पता नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, वाओ यार एपिक व्यू है, एपिक व्यू। और अगर रोड कंडीशन की बात करूँ तो रोड कंडीशन हमें नारकंडा से जो हम निकले थे और यहाँ तक का बहुत ही मक्खन रोड है, कहीं भी कुछ ऐसा मिला नहीं कि हमें थोड़ी परेशानी हुई हो। सो लेट्स सी, आप वीडियो बने रहिए और इस सफ़र का जो मज़ा है वो आप घर बैठे उठाते रहिए। सो गाइस आपको एक और व्यू के दर्शन कराता हूँ। लुक एट द व्यू, ओ माय गॉड। सो गाइस आप देख रहे हैं रोड कैसी है, बलखाती हुई नागिन सी। ऑल्दो यहाँ पे राइड करने में तो मज़ा तो आता है लेकिन ये डेंजरस काफ़ी होती है। ये इसमें आपका सबसे मेन जो होता है वो अपने स्पीड पे कंट्रोल करना होता है। और गाइस व्यू बताना कैसे लग रहे हैं आपको, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मैं ऑलमोस्ट 4 साल बाद आया हूँ इस रूट पे। 4 साल पहले यहाँ की रोड इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, इस तरह की रोड हुआ करती थी, इस तरह की जैसे आप देख रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ हाँ ऑफ रोडिंग, अब लगता है सारी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी मुझे। वहाँ तक इतने झटके लग चुके हैं कि कमर में भी अब दर्द होने लग गया है यार। अभी मैं सड़क की तारीफ कर रहा था और अभी कैसी रोड आ गई है, मुझे लगता है तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। ओके ओके आई एम सॉरी आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। वाटर क्रॉसिंग, वाह यार
हमारे ट्रिप की पहली वाटर क्रॉसिंग। ओ माय गॉड, ओ तेरेगी। चितकुल विलेज है एक ऐसा विलेज जो कि इंडिया का लास्ट विलेज माना जाता है और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिलहाल हम आए हुए हैं किन्नौर, किन्नौर आप कह सकते हैं किन्नौर वैली, और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा हम इंजॉय कर रहे हैं। इस पुल की पता क्या खासियत बात है, एक खासियत ये है कि जब भी एक ट्रक यहाँ से गुजरता है तो ये पुल हिलता है, ये राम है लक्ष्मण झूला की तरह। सावधान, आगे पत्थर गिर रहे हैं। सो गाइस, ये रोड्स हैं किन्नौर जिले की। ये मैंने आज तक जो है ना सही कंडीशन में कभी नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह बहुत आम बात है। और इस साइड में सपोर्ट भी नहीं है यार, सपोर्ट तो होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का काम, वर्क इन प्रोग्रेस। वाओ यार, क्या रोड बनाई है यहाँ पे। वाह यार, क्या नायाब नमूना यार। किन्नौर वैली की खासियत ये है कि यहाँ की रोड काफ़ी संकरी है, क्योंकि पत्थर गिरना यहाँ पे बहुत आम बात है, और उसकी वजह से यहाँ पे देखो रोड कैसी हो रखी है। ये ऊपर देखो भाई साहब, पत्थर काट काट के यहाँ पे यार इतने रोड बना रखे हैं यहाँ पे। वाह यार, कुदरत का नायाब नमूना पेश कर रखा है। वाह यार, क्या रोड है भाई साहब, पहाड़ों को काट काट के जो रोड बनाए हैं यार, एपिक है यार। वाह भाई वाह, कभी सही आती रोड है, कभी बेकार। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे यार, हमारी इंडियन सोल्जर, सल्यूट टू देम या सल्यूट टू देम। अरे मैं 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 भाई साहब, ये रोड सिर्फ इतनी चौड़ी है कि सिर्फ एक ट्रक आ पाता है, तो जब भी ट्रक आता है तो हमें नीचे उतरना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि किन्नौर वैली में सिर्फ नैरो रोड आती है, रोड ऐसी भी आती है जिसमें आप 80 की स्पीड से अपनी बाइक भगा सकते हैं। लुक एट द व्यू, लुक एट द रोड कंडीशंस, वाओ यार अमेजिंग। देख रहे हो गाइस, वाओ, ये करछम डैम है, उसकी वजह से यहाँ पे पानी सारा रोका हुआ है। पानी का कलर कितना साफ है यार, कलर देख के मजा आ गया। रक्षम सांगला चिटकुल 41, यहाँ से चिटकुल है 41 किलोमीटर, एक घंटे में पहुँच जाने चाहिए अगर रोड की कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना रही तो। लेट्स सी। सो गाइस, ये है चिटकुल का रास्ता, और ये एक इंडिया की डेडली रोड्स में से एक माना जाता है। एज यू कैन सी, कैसा ही रोड है ये। ओ कार आ गई भाई साइड पे, देख रहे हो सारा पत्थर काट काट के बनाई है रोड, और फिर भी डर रहता है कि कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। सांगला यहाँ से 9 किलोमीटर है, चिटकुल है, कल्पा है, ये तीन जगह हम कवर करेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज। देख रहे हो गाइस, चोटियाँ बर्फ़ से लदी हुई। वाओ, ओ भाई साहब, चितकुल के लिए ऑफ राइडिंग भी करनी पड़ती है। चलो जी, ओ
अरे भाई साहब यहाँ पे रोड काहे नहीं बनाया। ओ तेरे की पूरी नीचे तक है यार ये तो है। अबे साइड में चले साइड में। ओ भाई साहब देख रहे हो गाइस ओ भाई साहब भेड़े ही भेड़े, भेड़ों ने रास्ता रोक लिया हमारा। देख रहे हो कैसे जा रही है आगे आगे, बट रास्ता नहीं दे रही है। आ गया भेड़े वो घर। अब तो भैया ठंड बढ़ गई यार। वाह यार क्या रूट है, सैनिक रूट है गाइस। देखो आपको बर्फ दिख रही होगी थोड़ी बहुत, ये इधर पड़ी हुई है। तो होपफुली हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे शायद बर्फ भी मिले हमें, स्नो देखने को मिले। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर और है चिटकुल विलेज। ओ भाई साहब पहाड़। भैया जी हम पहुंच चुके हैं चितकुल और हमने रूम में चेक इन भी कर लिया है। तो यार बालों में मत जाना क्योंकि मैं 2 दिन से नहाया नहीं, ठंडी तो नहीं हो रही थी और यहाँ भी टेम्परेचर आई थिंक 0 के आसपास ही होगा, मैं आपको दिखा दूंगा फोन पे। एंड सो फार सो गुड। अभी हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं लेट्स सी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, अभी चलते हैं। और हाँ रूम दिखाता हूँ आपको। सो गाइस दिस इज द रूम, काफी स्पेशियस है। भैया जी ओ भैया जी बात तो देखेगा।